हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं फालूदा कैसे बनाना है। तो इसके लिए लिया है मैंने 1 लीटर दूध और 1 फालूदे का पैकेट। तो मैंने यहाँ पर विकफील्ड का फालूदे का जो रोज़ फ्लेवर रहता है उसका पैकेट लिया है। तो अब बनाते हैं इसका फालूदा। इसमें 6 ग्लास यानी 1 लीटर फालूदा आराम से बन जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, दूध बॉईल होने के लिए रख देंगे, बाद में आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसमें पूरा सिवैया और जो सब्जा वगैरह रहता है पूरा सामग्री है। तो यहाँ पर हमारा दूध भी बॉईल हो चुका है। दूध को अच्छी तरह से बॉईल करना है, तब भी जा कर के हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। उसको मतलब ठंडे में ही मिक्स नहीं करना है। तो गैस को ऐसे ही ऑन रखना है लो फ्लेम पे, और पाउडर को डालते हुए हमको चम्मच से हिलाना है ताकि इसकी गुठली ना बने। दूध को हमें ऐसे ही 5 मिनट तक पकाना है ताकि अंदर के सिवैया भी पक जाए और दूध को अच्छी तरह से गाढ़ापन आ जाएगा। ये देख लीजिए, अब हमें 5 मिनट हो चुका है, दूध भी अच्छी तरह से गाढ़ा बन चुका है और सिवैया भी हमारी पक चुकी है। तो अभी हम इसको नीचे उतार लेते हैं। अभी हम दूध को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में मतलब रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में इसको हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखना है, ऊपर के साइड हिस्से में, नीचे के हिस्से में ही रखना है फ्रिज में 3-4 घंटे। 3-4 घंटे के बाद में हमारा फालूदा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छी तरह से दूध को गाढ़ापन आ चुका है और एकदम मस्त ठंडा भी हो चुका है। तो हमारा फालूदा तैयार है, अभी मैं सर्व कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है एक आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो यहाँ पर मैं आइसक्रीम डाल रही हूँ उसके ऊपर से, फालूदे के ऊपर से। ये मतलब ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं वरना नहीं भी डाल सकते क्योंकि फालूदा हमारा ऑलरेडी एकदम ठंडा और मस्त है। लेकिन मैंने यहाँ पर आइसक्रीम का यूज किया है और ऊपर से थोड़े से बादाम की कटिंग डाल रही हूँ। लगा जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।